हेलो स्टूडेंट्स हाउ यू आर डूइंग आई होप फॉर द बेस्ट सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोना कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इम वाटर वॉटर मे बी हार्मफुल एंड लीड्स टू मैनी डिजीजिज सो वी मस्ट ड्रिंक प्योर वॉटर वी कैन प्योरिफाई वॉटर बाई यूजिंग द फॉलोइंग मैथड्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्योरफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या है प्योरिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण मतलब कि जो पीने लायक जो पानी होता है ड्रिंकिंग वाटर होता है जो उसको साफ़ कैसे किया जाए शुद्ध कैसे किया जाए उसको प्योर कैसे बनाया जाए ठीक है क्योंकि पानी में भी बहुत सारे कण होते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जर्म्स होते हैं उनको मारना उनको ख़त्म करना उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है क्योंकि हम पानी पीते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो उससे हम बीमार हो सकते हैं ठीक है तो ड्रिंकिंग वाटर का प्योरिफे प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है सो so, उसको कैसे किया जा सकता है तो इम्प्योर वाटर क्या होता है जो अशुद्ध पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है हार्मफुल होता है और उसकी वजह से हमें बहुत से बीमारियाँ लग सकती है इस वजह से हमें हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए और पानी को शुद्ध हम कई मेथड से कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट है बॉयलिंग बॉइलिंग मतलब कि उबालना बॉइलिंग वाटर फॉर टेन मिनट्स किल्स द जर्म्स अगर आप पानी को दस मिनट तक उबालोगे तो जो उसके अंदर जर्म्स होते हैं प्रेजेंट वो मर जाएंगे ठीक है प्रेजेंट इन वाटर तो जो पानी में जो जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे एंड मेक्स अ वाटर प्योरीफाई एंड प्योर ठीक है तो पानी को क्या कर देगा वो शुद्ध कर देगा इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर तो सबसे सिंपल वे ये होता है पानी को शुद्ध करने का ठीक है इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती जस्ट बॉयल इट नेक्स्ट है क्लोरीनेशन का कोई पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग नहीं है क्लोरीनेशन क्लोरीकरण क्लोरी कलरकरण होता है ओके तो इसमें होता क्या है क्लोरीन की गोलियां आती है क्लोरीन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोसाइड ये आपको अभी नहीं पता थोड़ी बड़ी टर्म है है ना बट आप सब इतना याद रखिए कि क्लोरीन की टैबलेट्स होती हैं क्लोरीन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं अगर हम उसको पानी के अंदर डाल दें तो उससे क्या होता है कि जो भी जर्म्स होते हैं उसके अंदर वो सभी के सभी मर जाते हैं ठीक है तो क्या होता है एडिशन ऑफ क्लोरिन टैबलेट्स इन वाटर टू किल जर्म्स एंड टू मेक वाटर प्योर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन तो क्लोरिनेशन क्या है क्लोरिन की टैबलेट को पानी में मिलाना ताकि जर्म्स यह मर जाए और पानी क्या हो जाए शुद्ध हो जाए उसी को क्लोरिनेशन बोलते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है अगर आपको मतलब वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज जो पानी में पैदा होती है बीमारी गंदा पानी पीने से ठीक है तो वो कौन से कौन से होते हैं गंदा पानी पीने से जैसे कि क्लोरिया कोलेरा डिसेंट्री टाइफाइड ये सारी बीमारियां जो होती है गंदा पानी पीने की वजह से भी होती हैं तो अगर हम क्लोरीनेशन कर देते हैं जैसे हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर यही काम होता है हॉस्पिटल वाले तो पानी को नहीं उबाल सकते बार बार ठीक है इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पर तो वो लोग क्या करते हैं पानी के अंदर क्लोरिन टैबलेट्स डाल देते हैं जिससे पानी क्या हो जाता है शुद्ध हो जाता है ठीक है तो पानी को शुद्धिकरण करना क्लोरिन टैबलेट्स डाल के वही क्लोरिनेशन कहलाता है नाउ द नेक्स्ट मेथड एंड द लास्ट मेथड इज़ वाटर प्योरीफायर आजकल आपको सबको पता है आपके सबके घर में मैक्सिमम के घर में, में आजकल आर लगे रहते हैं तो वो आर क्या है इसमें जो ये मशीनरी जो लगी पड़ी है ये ये मशीनरी क्या करती है पानी को शुद्ध करती है जर्म्स को मारती है और उसके अंदर जो भी कण होते हैं पार्टिकल्स होते हैं जो भी उन सारे पार्टिकल्स को प्योरीफाई कर देती है अलग कर देती है पानी से टूर इन द इज यू प्योरीफाई वाटर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरिफायर्स और आर ओ सिस्टम तो आजकल घरों में क्या होता है पानी को आप किसके थ्रू प्योरीफाई कर सकते हो आर ओ सिस्टम्स के थ्रू ठीक है ये आर ओ सिस्टम रहा ये वाटर प्योरीफायर रहा जो होता है ना क्लिक करके आप सीधा पानी आपका आ जाता है जैसे हॉस्पिटल्स में स्कूल्स वगैरह में भी लगे रहते हैं ये सभी ठीक है और ये आर ओ सिस्टम भी आजकल स्कूल्स में भी लगे रहते हैं और बाकी आपको घरों में तो होते हैं आर ओ सिस्टम्स ठीक है तो इनके थ्रू भी क्या होता है पानी शुद्ध हो सकता है प्योरीफाई हो सकता है गॉट इट सो i hope you all clear uh, if you have any query regarding this chapter so you can ask me in the comment section below or you can uh, whatsapp also till then take care